दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में मारपीट के बाद स्वाति मालीवाल ने कैमरे के सामने अपना दर्द साझा किया। स्वाति ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरे साथ जमकर मारपीट की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल विभव कुमार को अब भी बचा रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल के माता पिता से भी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है। वहीं बीजेपी चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, जबकि केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेलकर जनता की सहानुभूति जुटाना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली की सियासत पहले से सुलग रही थी कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो पिटाई कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आ गई। स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास पर हुई बदसलूकी की पूरी आपबीती बताई। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर सीधा आरोप जड़ दिया और अरविंद केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया, तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी, तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया, मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही। स्वाति मालीवाल को लगता है कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। वो उसको लेके लखनऊ घूम रहे हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतरे। इतना तो उन्होंने मनीष जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा। दिल्ली में 25 मई को चुनाव है और केजरीवाल प्रचार में जुटे हैं। इन सब के बीच स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन चुका है। इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरा। आपके नेता जवाब में बार बार यही कह रहे हैं कि मालीवाल ने जो भी कहा सब बीजेपी की राजनीति का एक अध्याय भर है। वो व्यक्ति जो एक महिला के साथ बुरा व्यवहार करे तो उसके लिए क्या ताजपोशी करनी चाहिए उसकी? जो भी व्यक्ति जो भी कोई इस तरह का अपराध करेगा, घिनौना अपराध है, किसी महिला के ऊपर हाथ उठाना शर्मनाक है, किसी महिला को इस तरह से जूते से मारना और घूंसे लात मारना, तो मुझे नहीं मालूम कि, लेकिन अगर इस तरह की घटना कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो विभव कुमार हो या वो लोग भी जिन्होंने विभव कुमार को उकसाया है, अपने जिनके घर में हुई है, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी राजनीतिक दुर्भावना बदले की भावना में इस तरह नीचे आ चुके हैं कि पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाला। इस बीच खबर आई थी कि जांच एजेंसियां केजरीवाल के माँ बाप से पूछताछ करने वाली हैं। हालांकि ये पूछताछ हुई नहीं, पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने इस पर खूब सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। जवाब बीजेपी ने भी दिया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आपको कांग्रेस की बी टीम बता दिया। आज तो आपने सारी हदें सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनाहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है, मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए।
बहनों भाइयों, जिसने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया है, वह दिल्ली की जनता का कैसे विश्वास हासिल कर सकता है? जो माता बहनों और बेटियों की रक्षा जो सरकार नहीं कर सकती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन्होंने यदि कहा था चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और आज कांग्रेस की बी टीम बनकर इंडी अलायंस में यह काम कर रहे हैं। यूं तो दिल्ली में सीटें सिर्फ सात हैं, पर देश की राजधानी है इसलिए नजरें सबकी होती है। इस बार अलग ये है कि जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस का वजूद खत्म करके सत्ता हासिल की, इस बार वही आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के लिए बहुत अच्छी बात है।